हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ टेक टॉक। तो जैसे आपको पता है कि पहले जो पैन कार्ड जो बनता था 50 रुपये 150 रुपये लग जाते थे पैन कार्ड बनाने में, और टाइम भी आपको मिलता था 10 से 15 दिन के बाद जो पोस्ट से आता था। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर है वो चाहिए, ताकि आपको OTP आ सके उस नंबर पे, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको एक वेबसाइट पे, जो कि है इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जा सकते हैं। तो यहां पे जैसे आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, तो यहां पे आप देखेंगे इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, गेट न्यू पैन, और यहां पे आपको मिलेगा स्टेटस डाउनलोड पैन। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है गेट न्यू पैन पे, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है, जो कि 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो इंटर करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटर करना है कैप्चा कोड। यहाँ पे आपको कंफर्म डेट पे क्लिक करना है, ये कंफर्म आपको करना है, आई हैव नेवर बीन अलॉटेड अ पैन कार्ड। ठीक है, आपने पहले, इससे पहले कभी आपने पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया है, नहीं बना है। ठीक है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर है आपके आधार से, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, और आप जो है वो माइनर नहीं है। ठीक है, और ये आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटर करके जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आधार पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको OTP मिल जाएगा, यहाँ पे आपको OTP इंटर कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UIDAI आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ OTP। तो यहाँ पे आपको EKYC के लिए एग्री करना होगा, एग्री पे क्लिक कर देंगे, वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो भी आपका ये होगा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो सारा आपने डिटेल्स दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, जो भी आपका आधार का डिटेल्स है वो सही है। याद रहे, आप इससे पहले पैन कार्ड अप्लाई नहीं किए होंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड पहले से मिल जाता है तो आपको 10,000 जो है वो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है आई एक्सेप्ट डैट, और प्रोसीड टू वैलिडेट द ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक और मैसेज आएगा, ठीक है, इस OTP आएगा जिसको आपको इंटर करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर द पैन रिक्वेस्ट इतना, यूज़ आधार नंबर टू व्यू पैन स्टेटस। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आप नोट कर लेंगे, और आपको अभी चेक करना है, डाउनलोड करना है, उसके लिए फिर से आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से इंस्टेंट पैन कार्ड थ्रू आधार पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन कार्ड, और यहाँ पे आपको इंटर करना होगा आपका आधार नंबर। जैसे आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको OTP इंटर करना होगा, जो आपके आधार पे नंबर जो रजिस्टर है वो इसी पे फिर से OTP गया होगा, तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड पैन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पैन पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड होता है, तो ये पासवर्ड रिक्वायर्ड चाहिए, आपको एक पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड जो होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट 3 दिसंबर 1996 है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 03121996। सिर्फ आपको यही लिखना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो इस तरह से आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बार कोड दिया जाएगा, जिससे आपकी डिटेल्स जो है मोबाइल से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपको परमानेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नाम आपका, जो भी आपका आधार में फ़ोटो होगा वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर